असीं सारे जानते हाँ कि अज गुड फ्राइडे बोलिया जाता है। उसका कारण यह है कि अज के दिन स्वर्ग का जिहड़ा दरवाजा है वह साडे लई खुल गया। दुनिया के जिन्हें भी 365 दिन है सारे दिन ही परमेश्वर के वालों वधिया है, पर खास अज का जिहड़ा यह दिन है कि जो आदम ते हवा दे कोलों पाप होया परमेश्वर का प्रताप जिहड़ा आ स्वर्ग विच वापस चला गया। जो परमेश्वर का प्रताप उठ गया तो फिर सारी धरती के उत्ते दुष्ट ने अपने राज नूं जमाया, क्योंकि बाइबल दसदी है कि जो पाप वधिया तो पाप के द्वारा मौत फैल गई, पाप ने धरती उत्ते राज करना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज जिहड़ा धरती के उत्तों खत्म हो गया। परमेश्वर ने मनुख की रचना की, जिहड़ा मनुख है परमेश्वर की समानता दे विच सी। किसी समानता में तुसीं बोलो, मनुख जिहड़ा परमेश्वर की समानता विच सी, पर शैतान ने मनुख नूं परमेश्वर की समानता दे विच रहण नहीं दित्ता। जिहड़ी समानता की सी पिछले समय च भी दस्सिया, मुख तौर पर पवित्रता ही उहदा प्रताप और जिंदापन जिन लाइवनैस या संदीपक जीवन कह सकते। हालेलुया। ये पवित्रता ही जलाल और सदा जीवित रहना, परमेश्वर के नाल सदा ही जिंदे रहना। परमेश्वर ने अपन समानतावान जड़िया गुणा तो हट के, ये गुण नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा ही है। इन्ह तिना चीजा के द्वारा गुण अलग चीज से। हालेलुया। पर जब यह समानता उठ गई तो गुण रहे नहीं। गुण जिदा आत्मा के फलों की गल की, हालेलुया, प्रेम आनंद शांति धीरज दयालगी भलाई वफादारी नरमाई और समझ, आत्मा के फल। इन्हों के विषय इस विषय से नहीं मैं कर रहा, मैं परमेश्वर की समानता की गल कर रहा। जो परमेश्वर की समानता मनुख में रहती है फिर यह गुण भी अपने आप प्रोसीड हो जाते, अपने आप जिंदगी दे विच आने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर ने अपनी समानता दे के धरती के उत्ते सानू भेजा, आदम ते हवा नूं भेजा, पर वह समानता नहीं रही जिहदे करके स्वर्ग की सिटीजनशिप ओखी हो गई। बोलो, खारिज हो गई, कैंसल हो गई। जदों हुण कैंसल हो गए परमेश्वर नूं बहुत दुख लगा, परमेश्वर को बहुत दुख होया जदों देखिया कि मेरी बनाई हुई रचना, मेरा बनाया हुआ इंसान दिन प्रतिदिन पाप दे विच बुराई विच चला जाता है। एक टाइम इस तरह का भी आ गया कि परमेश्वर ने यह विचार किया कि धरती दे उत्तों सारी मनुख जाति नाश ही कर दिता जाए। असीं बाइबल जदों उत्पत्ति पुस्तक पढ़ते हाँ उत्थे सानूं पहले अध्यायों दे विच जिक्र मिलता है कि मैं हुण धरती दे उत्ते नाश कर देना कोई भी प्राणी जीवित नहीं। नूह जिहड़ा रब का डर मनण वाला एक धर्मी पुरख सी, उहदे नाल खुदा ने गल कीती कि तू अपने लिए हुण किश्ती बना ला ते अपने परिवार नूं लै के उहदे विच बढ़ जा। मैं 40 दिन 40 रात इस धरती दे उत्ते मील बरामांगा, धरती दे उत्ते कोई भी मनुख प्राणी जीवित। एक समय परमेश्वर ने क्रोध में आके इस तरह के कदम भी उठाए, जब सारी मनुख जाति नष्ट हो गई फिर परमेश्वर को फिर दुख लगा कि मैं इतना कुछ क्यों किया। फिर परमेश्वर ने एक वाचा बनी, आमतौर पर असं देखते हैं सतरंगी बीन, बरखा होने तो बाद की देखते हैं अपना, वो परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है। परमेश्वर ने वायदा किया कि अगे तो मैं धरती को कभी भी जल परलो नाल नाश नहीं करांगा। पर मनुख जदों नूह तो बाद फिर अगे वंश चले आ, नूह दे घर तीन पुत्र सी, जदों वो वंश अगे वधिया वो पाप का बीज फिर भी खत्म ना हो सके।
पाप का बीज फिर प्रफुल्लित होया वधदा चला गया, फिर धरती उस अवस्था च चली गई। उहदे विच सानूं परमेश्वर के बहुत बड़ी क्रोप का गुस्से का बाइबल दे विच सानूं सामना करना मिलता है। सदूम ते अमोरा शहर नूं किवें परमेश्वर ने अग ते गंधक के गोले नाल भस्म कीता। व्यवस्था आई, मूसा ने द्वारा परमेश्वर ने लोगों नाल गल कीती। उस समय भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की व्यवस्था नूं, परमेश्वर के वचन नूं मनते नहीं सी। परमेश्वर का क्रोध उत्थे भी प्रगट होया, कई तां जिउंदिआं नूं धरती भख गई, धरती फट गई और लोग धरती दे विच चले गए। सानूं परमेश्वर का क्रोध जिहड़ा आ बहुत बार बाइबल के इतिहास के विचों मिलता है। पर सब कुछ करन तो बाद ठीक मां बाप कई बार क्रोध ते गुस्से विच आके बच्चे नूं मारदे ते कुटदे आ, पर बाद विच कई मामा कुटण तो बाद खुद भी रोंदियां। कई मां बाप बच्चे नूं मार तां लैंदे आ गुस्से च, पर फिर मुड़ के आप भी रोंदे आ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਆਹ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲੀਆਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ। ਪਾਪ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਪਾਪ ਦਾ ਸਹਿਲਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੋਲੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 21 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 26 ਵਚਨ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਭੇਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਆਦਰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 21 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 26 ਵਚਨ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਵਸਥਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ,
इंसान फिर भी उस बुराई तो छुटकारा नहीं पा रहा सी। फिर परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ फेल हो चुका है। उदा रीजन की है, उदा रीजन यही है कि पाप का बीज जिहड़ा इत्थे तक घर कर चुका सी कि पाप के जरासीम इंसान के ब्लड विच जले गए। बीज इन समझना है गल। बहुत सारे दरख्त जिहड़े उपरों कट दिते जांदे आ, देखण नूं दरख्त कट्टे हुए हुंदे आ पर उन्हां दीआं जड़ां कायम हुंदीआं तां फिर जड़ां चों लगदा फुट पैंदी। शरा कारगर नहीं हो सकी, व्यवस्था इंसान की जिंदगी चो पाप नूं खत्म नहीं कर सकी, व्यवस्था फेल हो गई। जे सच्ची पुछो तां व्यवस्था मनुख दे अगे हार गई, मनुख पाप तो हारिया पिया सी। मनुख ने पाप के अगे गोडे टेक दिते, उहदे तो छुटदा नहीं सी पाप। अज यीशु मसीह दे फजल तो, यीशु मसीह की कृपा तो बाहर जिहड़ा मनुख आ वह पाप नूं छड्डना चाहुंदा है पर उहदे तो पाप नहीं छुटदा। छड्डना चाहुंदा है नहीं छुटदा। इसे तरह शरा मनुखा तो हार गई और मनुख पाप तो हार गए। और फिर परमेश्वर ने की किया हूँ, हाँ जी पढ़ा की आज पर हूँ शरा के बाजों, पर हूँ शरा के बाजों परमेश्वर का धर्म प्रगट होया है। परमेश्वर का धर्म प्रगट होया, एक शरा वाला धर्म सी, एक शरा तो बिना धर्म प्रगट होया। हाँ जी शरा नबी ओदी साखी दिंदे हन, शरा नबी ओदी साखी दिंदे हन। अगे अर्थात परमेश्वर का वह धर्म, परमेश्वर का वह धर्म जिहड़ा यीशु मसीह दे नेचर वर्ग तो पैदा है। हाँ जिहड़ा यीशु मसीह दे उत्ते बोलो विश्वास करन दे द्वारा पैदा है। एक धर्म परमेश्वर वालों आता है। कुछ धर्म जिहड़े आ वह मनुखां दे वालों उन्हां नूं नाम दिते गए आ, पर एक परमेश्वर दे वालों धर्म आया है। आमीन। अज मैं किसे संसार जा किसे मजहब धर्म की गल नहीं करता, अज मैं परमेश्वर के वलों एक धर्म प्रगट होया मैं अज उस की गल करता। आमीन। और लिखा परमेश्वर का वह धर्म प्रगट होया केड़ा, जेड़ा यीशु मसीह उत्ते विश्वास करन दे द्वारा पाईदा है। जोर दी बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने एक धर्म साढ़े उत्ते प्रकट किया है, वह धर्म आया जिहड़ा यीशु मसीह उत्ते नेचा करन दे द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगे पढ़ांगे ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਊਚ ਨੀਚ ਰੰਗ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਭਾਵਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, जात पात धर्म मतलब रंग भेद कुछ नहीं, कंट्री नेशंस कुछ नहीं, बिना भेदभाव तो एक धर्म प्रगट होया। आमीन। जोर दी बोलो हालेलुया। क्यों कहा जाता मेरा घर सारिया कौमां लई प्रार्थना का घर। यह वंडिया मनुखी सोच की उपज है, जात पात धर्म च वंडना यह मनुखी उपज आ, पर परमेश्वर दे कोल कोई भिन्न भेद नहीं आ। आमीन। हालेलुया। कहता वह धर्म परमेश्वर का एक धर्म प्रगट होया जिहड़ा यीशु मसीह उत्ते नेचा करन तो पाईदा है। यह उन्हां सभनां दे लिया जिहड़े नेचा करदे आ, ते भिन्न भेद उहदे विच है ही नहीं। अगे क्योंकि सबने ने पाप किया। हुण एक गल जिहड़ी आ शुरुआत विच मैं दसी कि आदम ते हवा ने जदों पाप किया, पाप दा बीज उहनां दे विच चला गया, परमेश्वर दी समानता निकल गई, परमेश्वर दी समानता चली गई, पाप दा बीज उहनां च आया। जदों पाप दा बीज उहनां च आया भैण ते भरावो ओ पति और पत्नी सी जदों ओह एक होए गा उहनां तों जनरेशन पैदा हुई, वह बीज बच्चों चला गया।
और ओदा रिजल्ट सानू तीवर रिजल्ट इदां दा मिलदा कि कायन जिहड़ा पहला बच्चा सी पाप की गति इन्नी घातक सी कि वह जिहड़ा पहला ही बच्चा पैदा होया उन्हें दूसरे नूं की कर दिता मार दिता। देखो पाप कितना तीवर गति दे नाल काम करदा सी, पाप दे बीज दा असर। इसे तरह ही पाप सभना मनुखां दे विच फैलदा गया। जिदा जिदा पाप फैलता गया इतने की लिखा, क्योंकि सबना ने पाप किया। हाँ जी, अति परमेश्वर के प्रताप तो रह गए, परमेश्वर के प्रताप तो रह गए। परमेश्वर के प्रताप में जिहड़ा इंसान आ जाता है उहदे विच परमेश्वर दीआं सारीआं खूबियां आउणियां शुरू हो जांदियां। आमीन, जोर दी बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ओदे विच परमेश्वर दे सारियां खूबियां आउणियां शुरू हो गईआं। सभना ने पाप कीता ते परमेश्वर दे प्रताप तो रह गए, खत्म हो गए। परमेश्वर दे गुण भी खत्म हो गए, परमेश्वर दी पवित्रता ही चली गई, परमेश्वर दा जलाल, परमेश्वर दा जिंदा पानी इंसान चो चला गया। क्योंकि सबने ने पाप किया तो परमेश्वर के प्रताप तो रह गए। हाँ जी, सो उनकी कृपा नाल उस निस्तारे के कारण, हाँ जी, जो मसीह यीशु तो होता है वो मुक्त धर्मी गिने जाते हैं। थोड़ा जहा इतने आप हाथ रखेंगे इनू समझने अपने पंजवें अध्याय जावे, ना ही थोड़ा जहाँ अगे जावे रोमियां 5 की 12 पढ़ा के फिर सानू समझ आना। पहला असी 23 आयत पढ़ो, 3 की 23, फिर तुम ये 5 की 12 पढ़ो, फिर समझ आएगा थोड़ा। क्योंकि सबना क्योंकि सबना ने पाप किया, क्योंकि सबना ने पाप किया अते परमेश्वर के प्रताप तो रह गए। हाँ, सारे ने पाप किया ते परमेश्वर के प्रताप तो रह गए। किदा रह गए? 5 दी 12 पढ़ो हूँ। इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार में आया, इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप इस संसार में आया अते पाप तो मौत आई, पाप तो मृत्यु आई, मौत आई, अते इसे तरह मौत सबना मनुखां विच फैल गई। हाँ, इसे तरह मौत बोलो सबना मनुखा विच फैल गई। हाँ, इसलिए जो सबना ने पाप किया, इसलिए जो सारे ने की किया, अगे पढ़ देंगे। शरा के समय तक पाप का संसार विच है सी। हाँ, पर जिथे शरा नहीं उथे पाप का लेखा नहीं होता। अगे ता भी आदम को लेके मूसा ताई मौत ने उन्हां उत्ते भी राज किया, जिन्हें आदम के अपराध वर्गा पाप नहीं सी कीता। अगे ये आदम आने वाले का नमूना सी। अगे पर यो नहीं भी जिहा अपराध होया ते ही बख्शिश भी हुई, क्योंकि जद एक दे अपराध दे तो बहुत लोग मर गए तां परमेश्वर की कृपा अते ओ बख्शिश जिहड़ी इको मनुख अर्थात यीशु मसीह की कृपा के कारण सी बहुते लोगों ने वाफर प्रकट हुई। हुण अगे पढ़ांगे, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਗ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ
धर्मी गिने जाते हैं। हाँ, इंसान धर्मी नहीं रहा, पापी हो गया। इंसान धर्मी नहीं रहा, बोलो पापी हो गया। शरण पूरा करने वाला धर्मी होता, शरण किसे तो पूरी नहीं हुई, इस करके पापी का पापी रह गया। फिर परमेश्वर ने शरण एक पास कर दिता, व्यवस्था की कर दिता, बोलो फाइल जड़ी सी सारी एक पास रख दी। जल्दी बोलो हालेलुया। मैं स्पष्ट रूप में दो लफ्जा जो तो समझाव तो बड़ी आनंददायक गल समझा वाली। जल्दी बोलो हालेलुया। कुछ बोलो हालेलुया। मान लो भी आडा लेखा जोखा है, मन लो कि लिखा है कई लिखा भी बड़े चोर आए, ठाका आए, बेईमान है, धोखेबाज है, कई गंदमंद लुचपुने सारे कारनामे लिखे हुए हैं। तो यह भी लिखा हुआ भी जेड़े जेड़े ये काम करते हैं उस वर्ग में नहीं जाएंगे, वो हमेशा की अग में, बोलो हमेशा की अग में, जी सदा ही अग जी अग की झील सुटे जाएंगे। तो हम सारे ने तो पाप किया, बोलो सारे ने, जो मौत सारे ने लागू हो गई ना, तो हम रजिस्टर का सारे तो भरिया पिया, एक बंदा भी स्वर्ग में जा। जो परमेश्वर ने पुलथा देखा ये एक होर फाइल जोड़ जोड़ देख रहे हैं, व्यवस्था की फाइल, समझते ना गल, सुनो मेरे वाला देखो। एक फाइल वकीलों के कोल होंदी आ, वो होंदी आ जिन्हां दे केस चलते, समझ आई गल, वो कड़ी होंगी जिन्हों के केस चलते हैं। एक किताब जी जज के सामने होंगी है, वो कड़ी होंगी है संविधान कानून। उन्हें जो जो किताबों के वकीलों ने सिद्ध करना है, अपने जिन्हें भी मुजरम आ बचाने वाले ने भी दूसरे ने भी वह अगे रखना है, तो जज ने अपनी किताब जी सामने पही मैच करके देखना कि ये आ छुटता है या फिर, समझ आई गल, हालेलुया। जोत बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जो प्रभु का प्रभु आ, राजा का राजा, मालिक, ओदे मोरे भी किताब आ, एक व्यवस्था की किताब पही है, कानूना की किताब पही है। पर प्रभु का धन्यवाद आ कि उन्हें एक जीवन की पोथी भी रखी हुई है, एक जीवन की किताब भी। हुण सुनो मेरी गल, ए सारा ही कच्चा चिट्ठा साढ़े कारनामिया का, कले कले का नाम पढ़िया, कोई भी जा ही नहीं सकता स्वर्ग, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। हुण की होया, मैं एक मोटे तौर पर गल दसन लगा, फिर पढ़ा ये हुण तुसी कोई भिन्न भेद नहीं। हुण 24 आयत पढ़ियो, सारे दे सारे पापी आ, सजाए मौत, सारे की है बोलो सजाए मौत। सारे मौत का फरमान लिखा हुआ है, क्योंकि सारे पाप लिखे जा चुके। पर यीशु मसीह ते जिहड़े नेचा करदे उन्हां दे लई ओह मुफ्त दे धर्मी किद्दां गिणे जांदे आ, हुण इहदी 25 आयत पढ़ो। हांजी, जिहनूं परमेश्वर ने ओहदे लहू उत्ते, किहदे, यीशु मसीह दे लहू दे उत्ते नेचा करन नाल, नेचा करन दे नाल खास गल होने लगी, जो भेद मिलना इधर देखो, पढ़ने वाला पढ़े। हां जी, जो परमेश्वर ने, सुनो सुनो की लिखा, परमेश्वर ने यीशु दे लहू ते प्राश्चित मतलब तौबा, प्राश्चित का मतलब किया तौबा, पापा की
माफी। आमीन। जोड़ी बोलो हालेलुया। पापा ने माफी ठहरा दी, तौबा ठहरा दी, प्रायश्चित ठहराया ता जो हां परमेश्वर अपने धर्म नु प्रकट करे। परमेश्वर अपने धर्म नु प्रकट करे। हां जी, इसलिए जो ओने अपनी इसलिए जो ओने अपनी खिमा दे नाल पिछले समय ते कीते हुए पापा तो अखियां फेर लिया। हालेलुया। रब दे सामने जो यसु मसीह दे नेचा करन नाल पापा दी माफी मांग ले ने लहू दे नेचा कीती ते आ काम हो गया। हालेलुया। क्योंकि जड़ी किताब साडा सारा चिट्ठा साडे बुरे कर्मों का जिन्ना भी लेखा जोखा खुदा बाप की अखां दे सामने सी। जेड़ा इंसान यसु दे लहू दे नेचा कर लेंदा, जेड़ा इंसान रो के कहंदा प्रभु यसु मैं पापी हां, जेड़ा व्यवस्था नु मन मन के भी धरनी ना हो सकिया, पूरी ना कर सकिया व्यवस्था, ओदे लई परमेश्वर ने इदां दा इंतजाम कर दिता। मन्या ही नहीं जांदा, एक खोलिया फलाना सिंह बड़ी कोशिश की फेल हो गया, फलानी भैन बड़ी कोशिश की फेल हो गई, आ भी फेल हो गया, आ भी फेल हो गया, बस देखा भी गल सुत नहीं आती, रिस्ट चक के आओ मारिया एक नवा धर्म। आमीन। केड़ा धर्म? हुण बलियां देण दी लोड़ नहीं, ना मुर्गे ना बकरे ना बैल ना बछड़े, कोई बलिदान की जरूरत नहीं, ना रोट चढ़ाने ना सुकी ना मिसी ना खमीरी रोटी चढ़ाने, कुछ भी चढ़ावा नहीं। पता की किया रब ने? जोर दी बोलो हालेलुया। रब ने किया की है? रब ने अपना इकलौता पुत्र यसु मसीह धरती से भेजा। आमीन। ओ यीशु मसीह कौन? स्वयं परमेश्वर। यीशु मसीह कौन है बोलो? इन क्या शब्द देहधारी होके आए। हालेलुया। यीशु मसीह का मेन मकसद केवल लंगड़िया नु चलाउणा नहीं सी, अन्यां नु अखां देणा नहीं सी, मेन मकसद नहीं सी। हालेलुया। मैं उदाहरण तौर पर गल कर दूं, तुहाडा मेन मकसद तुहाडे बच्चों का ढिड भरना है, परिस्थिति दस्या भी फिर मेन मकसद की है कि बच्चे वेल सैटल हो, अपने पैरों से खड़े, एक कामयाब जीवन जीन, सक्सेसफुल लाइफ जीन, बोलो इदा ही ना। इसे तरह ही साडे परमेश्वर दे योजना दे विच केवल तुहानूं चंगियाई देना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना के ए आत्मिकता विच सिद्ध ते संपूर्ण हो जाए, जिहड़ा प्रताप इन्हां विचों निकलिया सी अदन दे बाग दे विच पाप दे करके, वह प्रताप इन्हां च फिर तो वापस आ जाए, जिहड़ी पवित्रता ही गई सी वह फिर तो वापस आ जाए, जिहड़ा चिंता मन मौत विच बदल चुका सी वह जिंदा मन फिर तो इंसान दे विच वापस आ जाए। ये मकसद सी मेरे यीशु मसीह का, इसलिए एक काम परमेश्वर ने किया, दूजा तुहानू करना पड़ना। एक काम किने किया? परमेश्वर ने। की किया?